YouTube फैमिली, आज मैं आपसे एक अपना ड्रेस शेयर करना चाहूंगी। मैंने लॉन्ग एयरलाइन शर्ट बनाई है और उसके साथ ये मैंने क्यूलेट पहनना है, तो इसकी कटिंग मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि किस तरह से है। फुल मैंने इसको, यानी कि इसकी जो लेंथ रखी है वो मैंने 40 रखी है, 40 के अंदर ही मैंने फोल्डिंग करनी है, और अगर ज़्यादा हुआ तो 5-6 के नीचे लगा के अंदर को फोल्ड कर दूंगी। लेकिन इसको इतना लंबा रखने की ज़रूरत नहीं होती, ये पूरा पूरा ट्राउज़र ही अच्छा लगता है। तो अगर ये ज़्यादा लंबा हो तो इसकी वो लुक नहीं आती, तो ये मैंने आपको दिखाना था। नीचे से ये बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा है, और ऊपर से आप इसकी कटिंग देख सकती हैं। अगर आप ऊपर से भी इतना ही खुला रख लेंगी तो इसकी वो शेप नहीं आएगी क्यूलेट की, जो यानी कि पहन के आती है। ठीक है, ऊपर से आपने यानी कि इस तरह रखना है और नीचे से स्ट्रेट। और आफ्टर स्टिचिंग मैं आपको दिखाऊंगी कि ये स्टिच होके किस तरह से लगता है ट्राउज़र। ठीक है, और नेक्स्ट मैं आपसे शेयर करती हूँ इसकी शर्ट, उस ट्राउजर के साथ की शर्ट। ये शर्ट देखिए, मैंने ए लाइन शेप में इसको कट किया है। ठीक है, कुछ प्रिंट और कुछ कट ऐसे होते हैं कि आपको उसके साथ ना तो लेसेस यूज करने की जरूरत होती है और ना ही कोई उसके ऊपर पाइपिंग वगैरह, कुछ भी ऐसा नहीं है। इसको मैं सिंपली यानी कि स्टिच करूंगी, इसके ऊपर लेस की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रिंट ऑलरेडी इतना प्यारा है, और अगर आप इसकी प्राइस रेंज सुनेंगी तो आप हैरान हो जाएंगी। लिटरली मैंने जब ये प्रिंट और ये टू पीस सूट पसंद किया था, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था इसकी प्राइस रेंज इतनी होगी, क्योंकि ये मुझे बहुत ही एक्सपेंसिव लग रहा था। मैंने कहा शायद ये टू पीस जो है 2500 या 3000 की रेंज में होगा, लेकिन जब उस शॉप वाले ने मुझे 1500 बताई रेंज, तो फिर मैंने उसके साथ थोड़ी और कर ली बहस। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने आपसे 1200 का लेना। तो शॉप वाले ने मुझे 1300 में मान रहा था, लेकिन मैं भी उसको फिर 1200 में मना के यानी कि ये शर्ट ले आई। और यकीन करें, इसमें वन पीस नहीं मिलता आपको ब्रांड से, 1200-1500 से शर्ट सिर्फ स्टार्ट होती है, और ये मुझे टू पीस मिल गया। और एक बहुत ही अच्छी लकी बात ये है कि मुझे इसके साथ मिला है बहुत ही मैचिंग घर से ही दुपट्टा मिल गया है, तो मैं तो इतनी खुश हूँ इस 1200 की रेंज में ये सूट। और इसको जब मैं स्टिच करूँगी और आपके सामने लेके आऊँगी तो आप देखिएगा, ये इतना हसीन प्रिंट है। तो देखते रहिए मेरा चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपसे शेयर करूँगी आफ्टर स्टिचिंग ये ड्रेस। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, तैयार हो गया है ये मेरा ड्रेस। ये देखिए, ये क्यूलेट है खुले बॉटम वाला। ठीक है, इसके साथ ये शर्ट बनाई है। देखिए प्रिंट कितना ज़बरदस्त है, कलर कितना प्यारा है, और मैंने इसको ए लाइन लूज फिटिंग में रखा है। ये देखिए जी, बेशेप में मैंने इसका गला बनाया है। मुझे बेशेप में गले बहुत पसंद है, बिल्कुल सिंपल सा, डिसेंट सा, एलिगेंट, नाइस सा। और ये आप देख रही हैं बाजू के ऊपर डिजाइनिंग, ये थी बाजू थोड़ी, जब मैंने कटिंग कर रही थी तो बाजू ज़रा छोटी थी और मुझे छोटी बाजू बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी कि इसका इतना ही प्रिंट था। तो मैंने सोचा इसको क्या किया जाए, तो बीच में साइड की कटिंग से कपड़ा बचा था, तो घर में ये सीढ़ी लेस पड़ी थी, मैंने वो कपड़ा आगे लगा के पिनटेक्स डाल के तो ये डिज़ाइन बना दिया है। आज के साथ भी कभी हो जाए ऐसा मसला है कि बाजू अगर छोटे हो और आप बड़े रखना चाहें, तो सीढ़ी लेस लगा के सिर्फ पिनटेक्स डाल के तो उसकी डिज़ाइनिंग आप कर सकती हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसके साथ दुपट्टा क्या है, और ये बहुत ही प्यारा सूट लग रहा है। मुझे तो ये बहुत पसंद आया है, और अब मुझसे वेट नहीं हो रहा है कि मैं इसको पहन लूँ जल्दी से। चले जी, मैं इसको यार दुपट्टे के साथ भी आपको इसकी एक फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये मुझे घर से ही मैचिंग दुपट्टा मिल गया था, बिल्कुल ही इसका इसी ड्रेस का ये हिस्सा लग रहा है। फाइनल इसकी ये लुक है, ये ट्राउजर, ये दुपट्टा डोरिया वाला, बहुत ही जबरदस्त किस्म का ये दुपट्टा है। और ये मेरा पूरा पेयर कंप्लीट हो गया है जस्ट 1200 में। जी नाजरीन, और अगर दी जाती ये बाहर कोई सिलाई तो 1000 और बन जाता है 2200 में ये कंप्लीट। चूंकि मुझे आती है स्टिचिंग, तो ये मैंने खुद ही स्टिच कर लिया था,
और ओनली 1200 में, और इतना हसीन हसीन प्रिंट के इंतजार ना हो कि कब पहना जाए। चले जी, देखते रहिए मेरी वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं लाती हूँ नेक्स्ट कोई और वीडियो आपके लिए। अल्लाह हाफिज।